जय हिंद जय भारत। मैं सुबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव न्यूर, तहसील येवला, डिस्ट्रिक्ट नासिक। दोस्तों, ये एकेडमी नासिक औरंगाबाद हाईवे पर स्थित है। इस एकेडमी के अंदर अभी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी के जो 25,271 वैकेंसी निकली हुई दोस्तों, इसकी यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BRO, MES दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस, इन सबकी दोस्तों यहाँ पर तैयारी कराई जाती है, वो भी दोस्तों बहुत ही कम फीस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे 23 जुलाई 2021 का करंट अफेयर्स। आज की प्रमुख हेडलाइंस, ग्वालियर ओरछा को यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना में हुआ चयन। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश समय 2 स्वदेशी मिसाइलों का किया सफल परीक्षण। एरियल हेनरी बने हेती के नए प्रधानमंत्री। लिथुआनिया में ताइवान नाम के साथ अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगा ताइवान। पश्चिम बंगाल की प्रणति नायक टोक्यो ओलंपिक में भारत की इकलौती जिम्नास्ट। तेलंगाना राज्य दलित सशक्तिकरण के लिए शुरू करेगा दलित बंधु योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की CM बाल सेवा योजना। बान की मून बने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष। कर्नाटक के ट्रांसजेंडर को दिया सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण। अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट बने ओलिवर डेमन। अभी हम दोस्तों इन सभी न्यूज़ को विस्तार से पढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1, 22 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए CM बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, इस उत्तर प्रदेश के दोस्तों CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के दोस्तों कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के दोस्तों राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, इस योजना के तहत COVID-19 में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके भरण पोषण के लिए दोस्तों 4,000 रुपये दोस्तों प्रतिमाह दिया जाएगा। और दोस्तों जो बालिका हैं और बालिकाओं के लिए दोस्तों यहाँ पर शादी के लिए 1,01,000 रुपये दोस्तों दिए जाएंगे बालिकाओं के शादी के लिए। कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उत्तर प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की दोस्तों कितनी सीट है? दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की सीट है 80 और दोस्तों राज्यसभा की सीट है 31। काकोरी ट्रेन डकैत दोस्तों कब हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैत दोस्तों ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों ये हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती। दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे NDRF की पहली महिला टुकड़ी कहाँ पर तैनात की गई? NDRF की पहली महिला टुकड़ी दोस्तों गढ़ मुक्तेश्वर दोस्तों यहाँ पर NDRF की पहली महिला टुकड़ी दोस्तों ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के दोस्तों उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दोस्तों तैनात की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण योजना दोस्तों जो पेपर की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए, जैसे नंबर 1 मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना राजस्थान, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करनाल से दोस्तों स्टार्ट हो गई हरियाणा करनाल से। पर्वतधारा योजना हिमाचल प्रदेश, वात्सल्य योजना उत्तराखंड, अंकुर योजना मध्य प्रदेश, प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा, पंख योजना दोस्तों इसका संबंध दोस्तों किससे है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों इस योजना का दोस्तों इससे संबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 22 जनवरी 2015 को दोस्तों ये पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 21 जुलाई 2021 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने आकाश मिसाइल का परीक्षण किया है। यह दोस्तों क्या है? दोस्तों यह है सतह से हवा में मार करने वाली दोस्तों मिसाइल है। दोस्तों इसका परीक्षण कहाँ पर किया जाता है? इसका परीक्षण दोस्तों ओडिशा के अंदर किया जाता है। दोस्तों
इसको दोस्तों किसने बनाया है? दोस्तों इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ के फुलफॉर्म में डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? दिल्ली में। इसके अध्यक्ष दोस्तों सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों डीआरडीओ ने IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों ये कब से कब तक चला दोस्तों? ये 1983 से 2008 के बीच में चला दोस्तों। इसके तहत 5 मिसाइल दोस्तों बनाई गई। IGMDP के तहत दोस्तों 5 मिसाइल बनाई गई दोस्तों। कौन कौन सी वो 5 मिसाइल बनाई गई दोस्तों वो आप याद रखने के दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है। आप ध्यान रखो पटना PATNA पटना, पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, त्रि से त्रिशूल, एन से नाग, ए से आकाश। दोस्तों अभी जो आकाश NG आकाश का दोस्तों नेक्स्ट वर्जन दोस्तों ये आकाश एनजी दोस्तों कौन सा है? आकाश एनजी दोस्तों इसका ये नेक्स्ट वर्जन है। और दोस्तों इसका सफल परीक्षण किया गया दोस्तों। और दोस्तों ये अभी आकाश एनजी जो दोस्तों बनाया गया है इसकी जो मारक क्षमता है दोस्तों 80 किलोमीटर दोस्तों इसकी मारक क्षमता है आकाश एनजी की। ये भी दोस्तों सरफेस टू एयर दोस्तों मार करने वाली मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं इंद्रजाल। दोस्तों इंद्रजाल क्या है? स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। दोस्तों पिनाका क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। दोस्तों रक्षिता क्या है? रक्षिता पेपर में दोस्तों पक्का क्वेश्चन आ जाएगा। रक्षिता क्या है दोस्तों? रक्षिता दोस्तों एक अम्बुलेंस है मोटर बाइक दोस्तों। निर्भया क्या है दोस्तों? निर्भया है सबसोनिक क्रूज मिसाइल। निर्भया दोस्तों ब्रह्मोस कौन सा मिसाइल दोस्तों? ब्रह्मोस है दोस्तों सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दोस्तों ब्रह्मोस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? दोस्तों एरियल हेनरी जो है हैती के दोस्तों नए प्रधानमंत्री बने हैं। कुछ दिन पहले ही दोस्तों जोबेनल मोइस ये दोस्तों हैती के प्रेसिडेंट थे दोस्तों। और दोस्तों इनको जो है घर में घुसकर दोस्तों इनकी हत्या की गई थी दोस्तों। अभी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर दोस्तों वहाँ के कौन बने? एरियल हेनरी दोस्तों हैती के प्राइम मिनिस्टर बने। दोस्तों हैती का लोकेशन दोस्तों आपको कहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों? जैसे आपने देखा होगा क्यूबा है दोस्तों। हैती की कैपिटल क्या है दोस्तों? पोर्ट ओ प्रिंस दोस्तों। ये क्या है? हैती की कैपिटल दोस्तों। ये हैती दोस्तों किसका गुलाम था? दोस्तों हैती फ्रांस का गुलाम था दोस्तों। इसी क्यूबा को क्या कहते हैं? चीनी का कटोरा दोस्तों किसे कहते हैं? क्यूबा को दोस्तों चीनी का कटोरा कहते हैं। इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन दोस्तों? इसोक हर्जोग दोस्तों इजराइल के नए राष्ट्रपति हैं। सीरिया के नए राष्ट्रपति दोस्तों किसे चुना गया? बशर अल असद बशर
अल असद दोस्तों इन्हें सीरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया। इसराइल के दोस्तों नए राष्ट्रपति को, नए प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन दोस्तों? पेड्रो कास्टिलो दोस्तों, ये पेरू के नए राष्ट्रपति। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, दलित बंधु योजना किस राज्य की पहल है? दोस्तों दलित बंधु योजना दोस्तों यह है तेलंगाना की पहल। दोस्तों तेलंगाना के सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के दोस्तों कैपिटल क्या है? तेलंगाना कैपिटल दोस्तों हैदराबाद। दोस्तों तेलंगाना दोस्तों दलित बंधु योजना दोस्तों ये तेलंगाना की पहल है। दोस्तों इससे दलित सशक्तिकरण के तहत हर दलित परिवार को, दोस्तों हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए सीधा उनके खाते में दोस्तों जमा होंगे, हर दलित परिवार के खाते में। दोस्तों ये काकी पहल है तेलंगाना की, दोस्तों ये पहल है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तेलंगाना दोस्तों अपना तेलंगाना का दोस्तों आपका लोकेशन पता होना चाहिए। दोस्तों तेलंगाना एक लैंडलॉक कंट्री, दोस्तों तेलंगाना एक लैंडलॉक कंट्री है। इसकी बॉर्डर दोस्तों किसके साथ लगती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों इसके साथ में तेलंगाना की सीमाएं लगती है। तेलंगाना का दोस्तों गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को दोस्तों तेलंगाना का गठन हुआ था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था दोस्तों आंध्र प्रदेश। हैदराबाद दोस्तों, तेलंगाना दोस्तों कैपिटल क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? दोस्तों हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? दोस्तों ये ऑपरेशन चलाया गया था पोलो। कब चलाया गया दोस्तों इसको? 1948 में दोस्तों पोलो अभियान चलाया गया था। तेलंगाना के दोस्तों विधानसभा की सीट कितनी है? दोस्तों तेलंगाना की विधानसभा की सीट है 119 और दोस्तों यहाँ की लोकसभा की सीट दोस्तों 17। दोस्तों राज्यसभा की सीट है 7। 17 × 7 दोस्तों कितना हो जाएगा? 119। तेलंगाना दोस्तों हुसैन सागर झील दोस्तों कहां पर है? तेलंगाना के अंदर दोस्तों हुसैन सागर झील। दोस्तों आगे बढ़ते चर्चा में रही प्रणति नायक का संबंध किस खेल से? दोस्तों प्रणति नायक का दोस्तों संबंध किससे है? इनका संबंध दोस्तों जिम्नास्ट से। किसे दोस्तों? जिम्नास्ट। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो 23 जुलाई से 8 अगस्त दोस्तों चलने वाला है, दोस्तों यहाँ पर प्रणति नायक ने दोस्तों क्वालिफाई कर लिए दोस्तों इसके लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए। और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक की ध्वजवाहक दोस्तों कौन रहेगी? टोक्यो ओलंपिक दोस्तों ध्वजवाहक कौन रहेगी? एमसी मैरी कॉम और दोस्तों मनप्रीत सिंह दोस्तों और एमसी मैरी कॉम दोस्तों ये रहेगी यहाँ की ध्वजवाहक। दोस्तों समापन के समय 8 अगस्त को उस समय दोस्तों ध्वजवाहक कौन होगा? बजरंग पूनिया। दोस्तों प्रणति नायक एकमात्र दोस्तों भारतीय खिलाड़ी है दोस्तों जिन्होंने जिम्नास्ट में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक दोस्तों क्वालिफाई कर लिया है।
दोस्तों जितने भी टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई कर किए हुए दोस्तों प्लेयर का आपका नाम और कौन कौन से खेल से ये संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन जैसे नेत्रा कुमनन नाविका, विनेश फोगाट पहलवान, साजन प्रकाश तैराक, माना पटेल तैराक, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग, दीपिका कुमारी तीरंदाज, भवानी देवी तलवारबाजी, भवाद मिर्जा घुड़सवारी, एम बी जबीर दोस्तों नेवी के प्लेयर एम बी जबीर 400 मीटर की दौड़ में, कहा के दोस्तों एक केरल के, एम सी मैरी कॉम बैक बॉक्सिंग, मनप्रीत सिंह दोस्तों हॉकी, हॉकी टीम के दोस्तों कप्तान है मनप्रीत सिंह, बजरंग पुनिया पहलवान दोस्तों रेस्टिंग से संबंधित है, मरियप्पन थंगावेल दोस्तों ये ऊंची कूद से संबंधित है और टोक्यो पैरा ओलंपिक के दोस्तों ये ध्वजवाहक रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी? दोस्तों चाइना जो है ताइवान को अलग देश नहीं मानता है, चाइना ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है। दोस्तों ताइवान ने लिथुआनिया के अंदर दोस्तों किसमें लिथुआनिया के अंदर ताइवान नाम से दोस्तों अपना वहाँ पर एक ऑफिस खोला है। दोस्तों इसकी दोस्तों यूएसए ने अमेरिका ने दोस्तों इसकी प्रशंसा की है और चाइना ने दोस्तों इसकी निंदा की है। दोस्तों ये पहला ताइवान का ऑफिस दोस्तों कहाँ पर लिथुआनिया के अंदर दोस्तों इसका राजदूत वहाँ पर बैठेगा। ताइवान दोस्तों किस द्वीप पर स्थित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ताइवान दोस्तों ये किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों ये पता होना चाहिए आपको। द्वीप है दोस्तों फार्मोस द्वीप, कौन सा दोस्तों फार्मोस द्वीप दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ताइवान स्थित है। चीन की दोस्तों आधिकारिक भाषा कौन सी है? मंदारिन दोस्तों चीन की आधिकारिक भाषा है। चीन की दोस्तों मुद्रा कौन सी है? दोस्तों चीन की मुद्रा है रेमनबी, रेमनबी। और दोस्तों इसी को दोस्तों क्या कहते हैं युआन, दोस्तों इसी को कहते हैं रेमनबी या फिर युआन। हाल ही में किन दो भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया? दोस्तों ये किया गया दोस्तों ग्वालियर और ओरछा, ओरछा और ग्वालियर को दोस्तों इसमें शामिल कर लिया गया है। विश्व धरोहर स्थल में एकमात्र मिश्रित स्थल कौन सा है? दोस्तों विश्व धरोहर स्थल में दोस्तों एकमात्र मिश्रित स्थल कौन सा है? दोस्तों ये दोस्तों कंचनजंगा, क्या है दोस्तों कंचनजंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? दोस्तों ये चुना गया बान की मून। दोस्तों बान की मून का कारण दोस्तों ये चीन के रहने वाले हैं। दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, इनको अभी दोबारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण का दोस्तों अध्यक्ष चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों ये है लुसाने के अंदर, लुसाने कहाँ पर था दोस्तों स्विट्जरलैंड के अंदर। इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक, थॉमस बॉक दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं। और दोस्तों थॉमस बॉक जो है दोस्तों ये इन्हें दोस्तों सियोल शांति पुरस्कार दोस्तों सम्मानित किया गया। दोस्तों नागोजी ओंकाजा इबेला यहाँ पर देख सकते दोस्तों, नागोजी ओंकाजा इबेला दोस्तों इन्हें WTO की दोस्तों ये पहली महिला महानिदेशक दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया है, WTO की पहली महिला महानिदेशक। संयुक्त राष्ट्र दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 दोस्तों इसके सदस्य देश हैं। दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? एंटोनिया गुटेरस, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आप एंटोनिया गुटेरस दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन दोस्तों? एंटोनिया गुटेरस। एंटोनिया गुटेरस दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष दोस्तों मोहम्मद शाहिद दोस्तों ये रहने वाले मालदीव के। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट कौन बन गए दोस्तों? ये बन गए दोस्तों ओलिवर डेमन। कौन दोस्तों? ओलिवर डेमन दोस्तों ये बन गए दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट जो दोस्तों अंतरिक्ष में गए थे दोस्तों। ये इनकी उम्र दोस्तों 18 वर्ष। कितनी दोस्तों इनकी उम्र? 18 वर्ष दोस्तों इनकी उम्र। दोस्तों जो एलोन मस्क इनकी कंपनी दोस्तों जेफ बेजोस की जो कंपनी दोस्तों किसकी? जेफ बेजोस। इनके दोस्तों अंतरिक्ष कंपनी दोस्तों कौन सी? ब्लू ओरिजन कंपनी दोस्तों अंतरिक्ष कंपनी दोस्तों। इस कंपनी दोस्तों इन्हें भेजा था। इनका नाम क्या दोस्तों? ओलिवर डेमन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? वो थे यूरी गागरिन। दोस्तों ये कहा के रहने वाले थे दोस्तों? रूस के। कब गए दोस्तों ये? 12 अप्रैल 1961 को। 12 अप्रैल 1961 को दोस्तों ये गए थे। मानव उड़ान के लिए अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? मानव उड़ान के लिए अंतरिक्ष दिवस 12 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। कौन दोस्तों? कल्पना चावला दोस्तों। ये कहाँ की थी दोस्तों? हरियाणा की। भारतीय मूल की थी दोस्तों, ये हरियाणा की थी। ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये ग्रेट बैरियर रीफ दोस्तों पक्का ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को 1% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया दोस्तों? ये लिया गया दोस्तों कर्नाटक सरकार ने दोस्तों। कर्नाटक के दोस्तों सीएम कौन है? बीएस येदियुरप्पा दोस्तों। भारत का पहला राज्य दोस्तों जिन्होंने ट्रांसजेंडर को 1% दोस्तों आरक्षण को दोस्तों मंजूरी दे दी दोस्तों। दोस्तों ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी दोस्तों कहां पर बनाई गई दोस्तों? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक का नवीनतम जिला कौन सा दोस्तों? कर्नाटक का नवीनतम जिला दोस्तों विजयनगर। कौन सा दोस्तों? विजयनगर दोस्तों। विजयनगर दोस्तों कैपिटल क्या थी? हम्पी। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कोल्लार की खान दोस्तों किसके लिए फेमस है दोस्तों? कर्नाटक के अंदर है ये दोस्तों फेमस है गोल्ड के लिए। के एस थमैया संग्रहालय दोस्तों कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर। देश का पहला खिलौना क्लस्टर दोस्तों कहां पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर दोस्तों। जेंडर पार्क केरल, फायर पार्क ओडिशा, टायर पार्क वेस्ट बंगाल, लाइमेन पार्क दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।